बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू होते ही जहां अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें नाजल होती हैं, वहीं हमारे लिए ये बाबरकत महीना मुश्किलात परेशानियों से निकलने का रास्ता भी मिलता है। इसी हवाले से यकम मुहर्रम अल हराम का एक नहायत आसान अमल जो आपको माला माल कर दे, रिज़क के दरवाज़े खुल जाएँ, रिज़क में बरकत आ जाए, कारोबार की बंदिशें रुकावटें ख़त्म हो जाएँ, आफियत की सच्ची राहें मिल जाएं, शयातीन जिन्नात से हिफाजत मिल जाए, जादू के नज़रे बद के बेबस कर देने वाले वार टूट जाएं और अल्लाह पाक की आप हिफाजत में आ जाएं, हादसात से हिफाजत मिल जाए, तो ये नहायत आसान अमल ज़रूर करें। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में इस घंटी के निशान को भी दबा दें, शुक्रिया। बाज़ बुज़ुर्गान दीन से मन कौल है कि जो कोई यकम मुहर्रम अल हराम को दो रकत नफल नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़े और नमाज से फारग होने के बाद ये दुआ मांगे, ये दुआ अल्लाहुम्मा से लेकर या जल जलाले वल इकराम तक, जो कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर भी लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, आप यहां से देखकर भी पढ़ सकते। अवल आखर दुरूद पाक के साथ ये दुआ पढ़ेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो बाफ़ज़ले बारी ताला इस अमल की बरकत से परवरदिगार आलम इस शख्स को शैतान के शर से महफूज रखेगा और इसे अपने हफ्ज़ो अमान में रखेगा, इसके रिज़्क हलाल में खैर व बरकत पैदा फरमाएगा। मुहर्रम की पहली तारीख को किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।